हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन और प्याज की बहुत बेहतरीन सी रेसिपी। जब घर पे कोई सब्जी ना हो तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि एक बॉल में मैंने एक कप यहाँ पर बेसन ली है, इसे मैंने छान लिया था। अब थोड़े से मसाले इसमें हमको डालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक आप डाल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, यानी कि 1/4 टीस्पून, एक चम्मच का चौथाई भाग। ठीक है, तो थोड़े थोड़े मसाले हुए ना, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाल दीजिएगा और थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा। फ्लेवर बहुत बढ़िया आने वाला है, तो इन सारी चीजों को डालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, हरी मिर्च को मैंने एक पीस हरी मिर्च बड़े साइज की थी तो बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने ले लिया है। और अब इसमें डाल दिया मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा हींग। अब ये सारी जो चीजें मैंने डाली है ना, बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाएगा इससे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स पहले कर लेंगे। तो चलिए इसे हमें मिक्स कर लेना है। एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर ना बिल्कुल बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है, फिर भी ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए देखिए किस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है इस तरीके से, देखिए। और इसे ना बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो हल्का होने से क्या होगा, तो सॉफ्ट बनेगी आपकी ये सब्जी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मैंने बीट किया है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं हमें रखनी है किस तरीके की। तो अब हम यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके की, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट आपको रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 2 प्याज मैंने बड़े साइज की ली थी और इसे लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में मैंने कटिंग की थी, और अब हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए इसमें डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये रेसिपी ना बहुत जबरदस्त बनने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए इस रेसिपी को जरूर से लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब ये रेसिपी आप इसे हमें फ्राई करना है, जब हम फ्राई करने लगेंगे ना तभी आप प्याज डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि प्याज जो है इसमें डालने से, नमक इसमें डली है ना, तो इसका मॉइस्चर जो है होता है, पानी जो होता है ना प्याज का, वो निकलने लगेगा, तो ज्यादा लिक्विड हो जाएगी आपकी ये आपका ये बैटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरीके की हमें कर लेनी है। तो एक साइड मैंने कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए, और हम क्या करेंगे, अब हाथ से इसे उठाएंगे, इस तरीके से शेप देते हुए चले जाएंगे। तो आप ये ना इसे अनइवन शेप में भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको शेप में ही देना है गोल गोल, नहीं आप थोड़ी सी आप अगर स्क्वायर भी हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े से हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से आप डाल दीजिएगा, तो जितने से स्पेस हो ना कढ़ाई में उतनी सी आप इसमें डालिएगा। ये पकौड़ियां बन रही हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पकौड़ियां को इसमें डाल दी है, और अब हम इसी में इसे पलट देंगे। तो पलट पलट करके इसका अच्छा सा कलर आने तक का हम इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी बेसन हो ना, तो आपको जितने भी बनाने हो तो इसी तरीके से आप पहले फ्राई कर लीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रेवी जो बनाते हैं तो उसी में डिप कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा कच्चापन आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो बिल्कुल पकौड़ियां जो है ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि ये फ्राई की हुई है ना इसलिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लिया है। तो इस तरीके का जब फ्राई हो जाएगा ना, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो दूसरा बैच भी इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेनी है। तो चलिए सभी बैच को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है, और अब यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है गरम करने के लिए, और अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप अपने हिसाब से ऑयल को रखिएगा जितना आप खाते हो। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो ना तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा हम डाल देते हैं हींग, यानी कि 2 से 3 पिंच आप डाल दीजिए हींग। और इसके साथ ही मिना हम जब डाल देंगे कसूरी मेथी, और जैसे ही कसूरी मेथी अच्छे से तड़क जाएगा, ये सारी चीजों को मिक्स करेंगे। और प्याज को डाल देना है 1 बड़े साइज को, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिएगा, जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट आपको फ्राई करने में लगेगा, तो देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ना, तो हम 1 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो लहसुन अदरक भी जल सकती है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेनी है, जब तक इसका स्ट्रांग फ्लेवर जब खत्म नहीं हो जाता है।
तो जैसे ही ये भुनाई हो जाएगी ना, तो एक टमाटर को ग्रेट करके यहाँ पे लिया है मैंने, आप इसकी कटिंग या प्यूरी भी बना सकती हैं। तो और इसके साथ ही मिना हम मसाले भी ड्राई ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर लिया है, तो टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, और जीरा पाउडर भी थोड़ा सा डालिए, और एक चम्मच ना धनिया पाउडर डाल दीजिए। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर मसाले बिल्कुल ड्राई लग रहे हो तो एक चम्मच पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसकी भुनाई कर लेना है। जब तक कि ना इससे ना मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है ना, तब तक इसे भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर इसकी रिचनेस को और भी टेस्टी बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने दही का यूज किया है। तो दो चम्मच भर करके गाढ़ी दही डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाइएगा। हाथों को रोकना नहीं है, फटाफट से इसे हमें चला लेना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर भी डाल दिया है, और अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि तेल मसाले से अलग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अच्छे से इसकी खुशबू आने लगी है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी जो है यहाँ पर थोड़ा नहीं, ज्यादा थोड़ा सा लगता है, क्योंकि बेसन की पकौड़ियां है ना, तो बेसन जो है थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए तो पानी जो है यहाँ पर थोड़ा बेसी जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसे हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए एक सीक्रेट चीज, यहाँ देखिए पकौड़ियों को इस तरीके से आप कर लीजिए, थोड़ा सा क्रश कर लीजिए हाथों से। इससे होगा क्या कि ग्रेवी अंदर तक जाएगी और आपकी ये जो पकौड़ियां है ना, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ बनेगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से आप सभी पकौड़ियों को कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने कर लिया है, और अब यहाँ पर देखिए ग्रेवी में अच्छे से बॉयल भी आ गया है, और इसी के साथ में हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और हम लीड को कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से ये पक जाएगी, क्योंकि ये पकौड़ियां जो है बिल्कुल फ्राई की हुई है, पकी हुई है, तो हमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको पसंद हो। आपके पास धनिया पकी पत्ती हो तो इसके ऊपर से आप ड्राई छेड़ दीजिएगा, डाल दीजिएगा और मिक्स कर दीजिएगा। तो ये देखिए बन करके बिल्कुल तैयार है। देखिए ऑयल भी कितना अच्छा से ऊपर में आ चुका है, और इसका कलर देखिए कितना फाइन आया है, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ बनी है ये ना। रोटी पराठे के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी हो, बहुत ही लजीज लगेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई